हनुमानताल के रजा चौक इलाके में चाय पी रहे दो युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक युवक की नस कट गई, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हनुमानताल पुलिस ने मामले में धारा 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया है। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के रजा चौक इलाके में चाय पी रहे एक युवक हासिम परवेज पर बाइक सवार कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान हासिम को बचाने आए उसके साथी पर भी युवकों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना में हासिम परवेज के शरीर के कई हिस्सों में चोट भी पहुंची, जिसके बाद से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद पुलिस ने धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस का कहना है कि हमला करने वाले युवकों की संख्या 4 से ज्यादा है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ हमलावरों की पहचान की है। पुलिस की माने तो हमलावरों के गोटेगांव और गाडरवारा के होने की बात सामने आई है। इस आधार पर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। कम से कम 5 व्यक्ति तो है ही हैं, और भी हो सकते हैं। तो क्या कारण था, क्यों मारा, ये सब जो है उनके बयान के बाद होगा। जिनको ज़्यादा चोट लगी है, क्योंकि उसी से झगड़ा हुआ था। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें मेहनत की है, और शीघ्र ही आरोपियों को ट्रेस करके और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर घटना में घायल हुए हासिम की हालत नाजुक है, जिसके चलते अब तक पुलिस उसके बयान दर्ज नहीं कर सकी है। इस कारण घटना की वजह का खुलासा भी फिलहाल नहीं हो सका है।